हाय, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजवंशी, आज आपको अपना सक्सेस स्टोरी के बारे में आज बात करेंगे। एक समय ऐसा था, डिक्शन में आने से पहले, अब से लगभग 16 साल पहले, हम लोग सुबह 6 बजे उठा करते थे, तैयार होके अपने क्लिनिक निकल जाया करते थे। एक क्लिनिक पे पेशेंट देखते थे, उसके बाद दूसरा क्लिनिक, तीसरा क्लिनिक, चार क्लिनिक थे हमारे। तीन क्लिनिक होने के बाद घर पे जब वापस आते थे, चौथा हमारा घर पे था। सुबह 6 बजे निकल के रात को 7 बजे 8 बजे हम लोग घर पे वापस आते थे, और 8 बजे घर पर आने के बाद फिर जो हमारे घर के आसपास के जो हमारे पेशेंट होते थे उनको हम देखा करते थे। रात के 10-11 बज जाते थे। उसके बाद सुबह उठना, फिर अपना क्लिनिक पे निकल जाना, ये रूटीन हमारा करीब 13-14 साल हमारा लगातार चलता रहा। और इस रूटीन के दौरान हमारे पास कहीं आने का टाइम नहीं, कहीं जाने का टाइम नहीं, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था, हमारा आना जाना नहीं रहता था, क्योंकि बिजीनेस इतना ज्यादा थी। पेशेंट को देखना और केवल पेशेंट के लिए समय था हमारे पास, अपने लिए कोई समय नहीं था। उस बिजीनेस के चक्कर में क्या हुआ, हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया बहुत मेहनत की वजह से, और वो प्रॉब्लम की वजह से हमारा शरीर का जो वजन था वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया, और करीब 42 किलो वजन हमारे शरीर में आ गया। हम जांच कराते थे, कुछ भी निकलता नहीं था। उसके लिए हमने बहुत सारा एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दवाई हमने यूज करी, लेकिन कोई फायदा हमें नहीं हुआ। हम बड़े परेशान रहते थे, और इसी दौरान में हमें कई सारे लोगों ने, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, हमने ट्राई किया, लेकिन हमें कोई लगातार कोई परमानेंट फायदे वाली चीज हमें नहीं मिली। तभी रात में करीब 10-11 बजे करीब किसी व्यक्ति ने हमें ये डिक्शन से संबंधित कोई बहुत ही निगेटिव बात करते हुए उसने हमसे डिस्कस किया। तो हमने उनसे कहा कि भाई ऐसी कोई चीज, उनका कहना था कि भाई एक ही प्रोडक्ट है, एक ही चीज है कि जड़ी बूटी है, इतना उसको बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है और बता रहे हैं कि एक ही चीज है पूरे शरीर को स्वस्थ करती है, भाई ऐसी तो कोई चीज नहीं है। तो मैंने भी कहा कि हाँ, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में इतना वो है, तो वो भी कोई पागल बनाने के लिए कुछ ऐसी कोई कंपनी आई है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी, 2-4-6-10 लोगों को पागल बनाएगी और चली जाएगी, क्योंकि यही मार्केट में चल रहा था। तो ये सोच के हमने जब, लेकिन उसने कुछ तारीफ और करी कि वो दिल्ली से कोई बंदा आया, मेरे को बुक दे के गया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो बुक, अगर कोई ऐसी बुक है, ऐसी कोई चीज है, तो आप हमें उसको पढ़ने के लिए दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने वो टांड के ऊपर से वो उसको बुक को निकाला उन्होंने, और वो बुक को हमने वहीं पे थोड़ा सा खोल के देखा, तो आगे की तरफ लिखा था कि क्या है जड़ी बूटी, गैनोडर्मा के बारे में, अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, और पीछे टेस्ट्यूमोलेस दिए हुए थे। तो टेस्ट्यूमोलेस पे तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा सोचना कुछ ऐसा था कि ये वही लोग हैं जो काम करते हैं, तो इन्होंने सब बातें पॉजिटिव लिखी होंगी, ऐसा सोच के हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही बुक के पीछे हमने कुछ डॉक्टर एस रंजन, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर मालती रमानी और कुछ और जो डॉक्टर्स थे, कुछ लोगों का रिसर्च उसमें दिया हुआ था, किस तरह से ये हर्ब कैसे कैंसर से हमें बचाती है, कैसे हार्ट को मजबूत करती है, लीवर को कैसे मजबूत करती है, इस तरह का उसमें रिसर्च था। और साथ में उसमें था बुक्स जो उसका मेंशन भी दिया हुआ था, लिनस पोलिंग अमेरिका का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे, डॉक्टर फुकुमे मोरिशिंगा का रिसर्च था। उसके बाद उसमें न्यूज़पेपर सी कटिंग थी, किस तरह से ये गैनोडर्मा पूरे शरीर को हेल्दी करता है, इस तरह की न्यूज़पेपर कटिंग थी। तो हमें लगा कि ये शायद कुछ चीज अच्छी है, हमें मिलने वाली है, तो हमने वो बुक को उनसे ले लिया, और फिर हमने घर पे जाके उसको पढ़ा। वो बुक पढ़ने के बाद हमने उसमें से देखते रहे, तो उसमें एक नंबर हमें मिला, वो हमने ट्राई किया, तो वो हमने वो भाई से बोला कि भाई कोई नंबर है कोई ऐसा जो हमें जानकारी दे, तो नंबर को फोन किया वो नहीं मिला, फिर और नंबर फोन किए नहीं बात हुई, फिर हमारा एक मेरठ से एक नंबर हमें मिला, उसी में नंबर दिया हुआ था, उनको हमने फोन किया, तो वहां से एक आवाज आती है, जी बोलिए बताइए, राजीव रस्तोगी करके, उन्होंने कुछ बताया कि हमने ये प्रोडक्ट यूज किया, बढ़िया है ऐसे करके। तो हमने कहा जी ये तो जो भी आदमी ये काम करता है तो अच्छा ही बताता है, कोई दूधिया ऐसा है जो ये बताएगा हमारा दूध में पानी मिला हुआ है? हर दूधिया अच्छा बताता है, तो आपने भी तो आप काम करते हो? उन्होंने कहा हाँ हम काम करते हैं। तो मैंने कहा इसलिए आप अच्छा बता रहे हैं, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने कहा इसके बारे में कुछ जानकारी, तो उन्होंने आवाज लगाई, रश्मि ऐसे करके, तो एक मैडम आई, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि भाई ये ऐसी चीज है। तो मैंने उनको सवाल किया कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो चाय है वो 1.25-1.5 रुपए का प्याला पड़ता है,
तो कोई व्यक्ति अगर खाली चाय भी पीता रहता है तो भी हेल्दी रह सकता है। तो मैंने क्या सोचा कि चाय तो घर घर में पी जाती है और कॉफी के बारे में बताया, बोले 5-5.5 रुपए कॉफी पड़ती है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने, मैंने कुछ लिटरेचर इसके बारे में आप मुझे जानकारी भेजिए, तो उन्होंने कुछ लिटरेचर भेजा, वो हमने पढ़ा देखा। एक कैमरा डाल के उसमें वीडियो दिया हुआ था कि किस तरह से बॉडी को हेल्दी करता है, उसको देख के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा अच्छा हुआ। एक डॉक्टर थे उनके बारे में उसमें दिया हुआ था, और उसमें ये भी दिया हुआ था कि उन्होंने एक महीने में जब उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया उनका बॉडी में पेन रहता था उसमें फायदा हुआ, कुछ टेस्टिमोनियल उन्होंने अपना शेयर किया। तो मैंने सोचा एक अच्छे डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, अगर उनको फायदा हुआ तो हम भी ट्राई करते हैं, ऐसा सोच के मैंने मैडम से बोला कि हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और थोड़ा सा हमें इसको यूज करना है प्रोडक्ट को। तो करीब 350 किलोमीटर दूर से एक साहब यहाँ पे आए, मैं उनको नमस्कार करूंगा, मेरे अपलायन मिस्टर भरत गर्ग जी, और वो मैडम जिनसे मेरी बात हुई थी रश्मि रस्तोगी जी, आजकल कनाडा में हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करूंगा। और भरत गर्ग जी ने मेरे को इसमें DXN में ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद हमने ये प्रोडक्ट को यूज किया, और उस वक्त हमारी जो आर्थिक स्थिति भी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, और हम उसको स्ट्रांग करना चाहते थे, और हम देख रहे थे कि ऐसी कोई चीज हमें मिले। तो उसमें हमने जो डॉक्टर साहब थे उनका जो हमने देखा कि डॉक्टर साहब पहले उनका उन्होंने हेल्थ को ठीक किया, और हेल्थ ठीक करने के बाद में उन्होंने लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना उन्होंने शुरू किया, तो उनका फर्स्ट महीने का जो बोनस था वो 250 रुपए का, और एक साल बाद 1,00,000 रुपए महीने का। तो हमने सोचा जब डॉक्टर साहब को 1,00,000 रुपए महीने आ सकता है तो हम अगर कोशिश करें तो हमें भी कुछ बोनस इसमें अच्छा बोनस बन सकता है। तो ऐसा सोच के हमने प्रोडक्ट को पहले यूज किया, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हमने प्रोडक्ट को साथ में प्रमोट करना शुरू कर दिया, और उस वक्त हमें मालूम है हमने किस किस तरह से वो पैसे का व्यवस्था की। हमने सोचा कि अगर हम कोई भी बिजनेस डालते हैं, कोई काम डालते हैं, कोई मकान बनाते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करते हैं। हमारे पास वो पैसे हमेशा रहते नहीं है कि वो हमेशा हमारे जेब में रहें, तो हमने कहीं से व्यवस्था की, क्योंकि हम अपना जीवन बनाना चाहते थे, अपने को फिट रखना चाहते थे, और हमने वो प्रोडक्ट को लिया और खाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स मेरे को इतना अच्छा फायदा उससे मिला, जो मेरे को प्रॉब्लम थी 15 दिन के अंदर वो प्रॉब्लम मेरा 60% दूर हुई, और मेरा वजन बढ़ना शुरू हुआ, जो मेरे को खाना हजम नहीं होता था, दिन में कई बार मोशंस होते थे, ब्लड आता था, म्यूकस आता था, वजन घटता जा रहा था कुछ, तो वो मेरे को हजम होना शुरू हुआ, वजन बढ़ना शुरू हो गया, मेरे को कॉन्फिडेंस आया प्रोडक्ट के ऊपर। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना क्लिनिक पे भी जाना मैंने चालू रखा, और क्लिनिक के साथ साथ 1-2 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम को लोगों को मैंने इसके बारे में बातचीत करना शुरू किया, और मैंने अपना लक्ष्य बनाया। जब वो डॉक्टर साहब को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मेरा भी इनकम आ सकता है, तो ये सोच के मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे पहले साल में अपना इनकम को 50,000 से ऊपर लेके जाना है। ये सोच के मैं मेहनत किया, मैंने अपने प्लान जो मेरे गुरु थे उनको मैंने नमस्कार किया, उनको मैंने बोला जो आप बताएंगे वो उस बात को मैं फॉलो करूंगा, तो वो मुझे बताते गए, वो मैं करता गया। उन्होंने बताया कि 6 लोगों के साथ में आपको काम करना है, पहले आपको 6 या 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना, उनकी मदद करनी है स्टार बनने में। तो मुझे लगा कि उनकी हेल्प तो करनी है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, ये मेरा विचार पहले से ही था, मैं लोगों की मदद करना मुझे बहुत आनंद आता था। तो लोगों को मैंने 7 लोगों को इसमें मैंने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, 50, 100, 200 लोगों को प्लान दिखाया, वो इतना मोटा एक डायरी थी, एक मेरा रजिस्टर था, वो मैंने पूरा भर दिया। कोई भी बंदा आता था, आइए आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आइए ऐसे करके शुरू शुरू में, तो उसमें से लोग आते चले गए और 10-12 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, और धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया, और मेरा 1 साल में डायमंड शिप क्वालिफाई हुआ और इनकम 50,000 से ऊपर। दूसरे साल का फिर लक्ष्य बनाया, वो उस पर हमें फिर कि हमें अब 1,00,000 से ऊपर लेके जाना है। फिर कुछ लोगों को हमने ज्वाइन कराया, मेहनत किया, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ज्यादा डाली, और जो लोग आए थे उनको आगे सपोर्ट किया, तो हमारी टीम में डायमंड्स निकलने शुरू हो गए, और उसके बाद में दूसरे साल में जो इनकम था 1,00,000 से ऊपर निकल गया। हम लोग किराए पर रहा करते थे, हमारे पास अपना खुद का मकान नहीं था, जब हम गांव से आए थे तो किराए पर रहते थे, तो जब हमने देखा DXN में लोग मकान बना रहे हैं, मैंने भरत गर्ग जी का मकान में देख के बड़ा अच्छा आलीशान उनका मकान बना हुआ था, मैंने सोचा कि हाँ मैं भी मुझे भी मकान बनाना चाहिए, तो हमने भी मकान के बारे में प्लान किया, और हमने 150 गज का प्लॉट लिया। वो प्लॉट लेने के बाद में फिर हमने उसमें मकान बनाया, 2 पोर्शन निकाले उसमें 150 गज में, उसके बाद में फिर हमने उसके ऊपर भी 150 गज के ऊपर भी मकान बनाया। इस तरह से टोटल हमने 2 मंजिला मकान 150 गज में, हमने करीब 9 से 10 कमरे हैं हमारे, ऊपर पूरा किराए पर उठा हुआ है, उसमें 6 किचन है और करीब 6 उसमें करीब बाथरूम है। इस तरह से हमने वो मकान के बाद फिर हमने और प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया, हमने करीब 1,050 गज का एक हमने प्लॉट लिया लगभग 1 बीघा से ऊपर,
उसके बाद फिर हमने हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिटी है ओजोन सिटी, वहां पे हमने 150 गज का प्लॉट दिया। तो डीएक्सएन से हमने जब डेवलपमेंट करना शुरू किया, पहले साल में हमने मलेशिया क्वालिफाई किया और दूसरे साल में हमें मलेशिया जाने का मौका मिला। वो कंपनी की 15वीं सालगिरह थी। उसके बाद में फिर हमने हर साल क्वालिफिकेशन करना शुरू किया, हमने TSI निकालने शुरू किए, जो नेशनल लेवल पे हम लोग जाते थे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने घूमना फिरना शुरू किया। और कंपनी का ट्रेनिंग सेशन जो होते थे, जो हमारा पूरा इंडिया का जो भी है, भोपाल हुआ, हमारा मसूरू हुआ, शिमला हुआ, जयपुर हुआ, जहां जहां भी कंपनी का प्रोग्राम्स होते थे वहां पे हम लोग जाते थे, पूरा एंजॉयमेंट हमने करना शुरू किया। और हमारे पास, हमने मोटरसाइकिल से काम को शुरू किया था, मोटरसाइकिल के बाद हमने पहली गाड़ी जो ली थी, हमने वैगन आर परचेज किया, कैश से, कैश पेमेंट से हमने लिया। और दूसरा जो हमारी खुशी की बात यह थी कि हमने पहले, हमने जब हम डीएक्सएन में हमने शुरू शुरू किया था, तो हमने बैंक से मकान बनाने के लोन लेने का ट्राई किया, किसी बैंक ने हमें लोन नहीं दिया। तो हमने कसम खाया कि अब हमें किसी बैंक से लोन नहीं लेना है, और नगद पेमेंट से हम, और नगद पैसे से हम ये डीएक्सएन से मेहनत करेंगे, और नगद पैसे से हम ये डीएक्सएन से अपना मकान बना के दिखाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को और सभी मेरे वेल विशर्स को, जो मेरा अच्छा चाहते हैं उन लोगों को, कि उनकी शुभकामनाओं की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से आज हमारे पास किसी का कोई लोन नहीं है, किसी बैंक का लोन नहीं है, और हमारे पास अपना खुद का मकान है। अपनी पहली गाड़ी हमने ली थी वैगन आर, उसको हमने खूब चलाया और हमने खूब अपना ग्रुप में डेवलपमेंट किया। उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी अभी ली है, हमने स्विफ्ट VDI डीजल में हमने ली है। और इस तरह से हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना, मदद करना। मेरा माइंड में यही रहता है कि जो भी व्यक्ति डीएक्सएन में आ रहा है हमारे साथ, जो सपने लेके आ रहा है, जो इच्छा लेके आ रहा है, जो उसकी जो वो विचार लेके आ रहा है, जो उसकी डिजायर है, जो सपना है उनका, वो डीएक्सएन में पूरा होना चाहिए, ये सोच के हम ये डीएक्सएन में हम आए हैं। और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग डीएक्सएन में सफल हों, वो अपना इनकम को बढ़ाएं और उनका उनका जीवन में उनके बदलाव आए, जिस तरह से हमारा जीवन बदला है। आज हमारे पास डीएक्सएन के द्वारा टाइम फ्रीडम है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या था, क्लिनिक पे सुबह जाना ही जाना है, कभी सिर दर्द हो रहा है, थकान है, परेशानी है, लेकिन हमें जाना ही है। तो ये था, अभी हमारे पास टाइम फ्रीडम है, हम 2 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, हम 18-18 घंटे काम करें, हमने डीएक्सएन में कि जो हमारे साथ आया है उसके साथ हम मेहनत करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं, उसकी पूरी मदद करते हैं, उनका उसका ड्रीम बनवाते हैं। और उसके टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है हमारे पास। पहले हम जाते थे, कोई सामान खरीदते थे तो पहले रेट पूछते थे, अभी हम बोलते हैं अच्छे से अच्छा दीजिए, उसके बाद हम वो सामान खरीदते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। ये हमें मनी फ्रीडम मिला है, सिक्योरिटी मिला है। कि अभी सिक्योरिटी का मतलब क्या, सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप काम ना कर पाए, आपको पैसा है। देखिए अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, हमारा बिजनेस और बढ़ गया, क्योंकि ये परचेजिंग का बिजनेस है, खरीदारी का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि बेचने के लिए कोई नहीं निकल पाया, तो हमारी टीम ने खाया और लोगों को बताया। दूसरा, जो पूरा ऑनलाइन का हमारा सिस्टम हुआ, RVC का पूरा सपोर्ट हुआ, उससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तो ये सिक्योरिटी हमें यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिला, नाम और प्रसिद्धि। पहले हम डीएक्सएन से पहले जब हम डॉक्टरी में लाइन में थे, तो हमें कुछ हमारे मरीज जानते थे, कुछ एरिया हमें जानता था, वो डीएक्सएन में आने के बाद पूरा जो भी हमारा डीएक्सएन जहां जहां है, हर आदमी डीएक्सएन के माध्यम से आज जान पहचान हुआ, हर आदमी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, हमारा बड़ा बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे अप्लायंस वो हमें रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो डीएक्सएन ने हमें पूरा नाम और प्रसिद्धि ये डीएक्सएन से दिया, और दूसरे लोगों का मदद करने का पावर हमें दिया। पहले क्या था हमारे पास, हम लोगों की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन हम लोगों की मदद कैसे करते हैं, हमारे पास मदद करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमारा सीजनेबल काम था, हम खुद सोचते थे हमारा काम, हमें खुद पैसे की जरूरत थी। तो हमारे पास आज मदद का भी मौका है, हम दूसरों की मदद करते हैं डीएक्सएन के माध्यम से, उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। और डीएक्सएन में आने के बाद आज हमारा एक ही सपना है कि हमारी टीम में जितने भी हमारे साथी हैं, जो सपने उनके हैं, जो इच्छाएं उनकी हैं, जो डिजायर हैं उनकी, उन सबको पूरा करने में आज हम उनकी मदद करें। और जिस तरह से हमने सफलता पाई है, हम उनको भी सफल होते हुए देखना चाहते हैं, आज हम उनकी सफलता के लिए लगे हुए हैं, यही हमारा सपना है। हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्राउन एम्बेसडर बनाना है, और यही हमारा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने 62 करोड़ रुपए महीना डीएक्सएन में अपनी उनको हेल्प करके उनको उनके घरों में पहुंचाना है, और उनको उनको उनके पास अपनी गाड़ी हो, अपना मकान हो, अच्छा अच्छी उनकी लाइफ स्टाइल हो, यही हमारा टारगेट आज डीएक्सएन में है। और डीएक्सएन ने हमें जो मौका दिया है, उसके लिए हम परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम अपने अपलायन को, भरत गर्ग जी को बहुत धन्यवाद करते हैं,
हमारे जो आरबीसी के यूट्यूब चैनल पर हमारे गुरुजी हैं श्री रत्ना वासुपाल मैडम और श्री प्रोफेसर वासुपाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे सीनियर हैं, हमारे साथी लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं, जो इनको देख के हमारे अंदर मोटिवेट आता है, जोश जुनून आता है, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं, जैसे मिस्टर के अग्रवाल जी हैं, उनको देख के हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हमारे पुनीत शर्मा जी, उनको देखकर बहुत मोटिवेशन उत्साह मिलता है। ये हमारे साथी लोग हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और हमारे मिस्टर नरेंद्र त्रिवेदी जी हैं, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, मैं नाम उनका लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो जो भी हमारे साथी हैं जिनसे हम मिलते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, उन सबको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये एक कारवां है दोस्तों, हम आपके साथ हैं, जो भी हमारे साथ आए हुए हैं उनके साथ, और वो उनका हाथ से हाथ पकड़कर ये खींचने का बिजनेस है, आगे लेके जाने का बिजनेस है। जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं, हर चीज आप यहाँ से ले सकते हैं। और जो हमारे साथी हैं, जो इस वीडियो को आज देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप कोई भी काम करते हैं उसे करते रहिए, उसके साथ साथ एक घंटा दो घंटा इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको दो काम करना है, प्रोडक्ट को खाना है। ये खाने पीने की चीजें बहुत टेस्टी और हेल्थी चीजें हैं, आपका बॉडी फिट रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और बीमारियों पे होने वाला खर्चा आपका बचेगा। दूसरा, जब आप इसमें कुछ नहीं, आपको बातचीत करना, 5 मिनट का समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको लोगों से बात करना, और लोगों को खाली एडवाइस देना और एडवाइस सलाह देना। यू आर ए गुड एडवाइजर, आप एक अच्छे सलाहकार हैं, वैसे भी सलाह देते हैं, तो वो डिक्शन के प्रोडक्ट के बारे में सलाह देना, उनके भलाई के बारे में सोचना, उनका किस तरह से मैं डिक्शन के द्वारा उनका ज्यादा भला कर सकता हूँ, ऐसा सोच के आपको उनको एडवाइस देना, और डिक्शन में ज्वाइन करा के उनको सीखना, ये बिजनेस है, इस तरह से आप भी आगे बढ़ जाएंगे। तो जो भी आज बेरोजगार हैं, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी देखिए, ये डिक्शन एक ऐसा सिस्टम है, इसके द्वारा बेरोजगारी आप अपनी हटा सकते हैं और बहुत लोगों की बेरोजगारी आप दूर कर सकते हैं। और डीएक्सएन ने एक मौका दिया है, यहाँ पे आप पूरे देश की सेवा कर सकते हैं, अपने घर की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने आसपास बहुत लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका स्वास्थ्य वो अच्छा रखना चाहते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा के, उनके डिफेंस सिस्टम को अच्छा करके, ये डीएक्सएन प्रोडक्ट के माध्यम से उनको भी स्वास्थ्य लाभ आप दे सकते हैं। तो कहा जाता है, नर सेवा नारायण सेवा, कर भला तो हो भला, तो ये सिस्टम ऐसा है, दूसरों का भला करेंगे आपका भला होगा, तो आप लोगों की सेवा करेंगे आपको मेवा मिलेगी, रिटर्न मिलेगा आपको। तो जितना आप भला कर सकते हैं, भला भला भला, तो भला का उल्टा क्या होता है, लाभ। जब आप दूसरों को ज्यादा भला करेंगे तो रिटर्न जो आपको आएगा, उल्टा जो आपको वापस आएगा वो होता है लाभ, तो आपका लाभ बढ़ता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको डिएक्शन में लाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको डिएक्शन में कंज्यूमर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करनी है। तो मैं बस इसी के साथ, ये इस वीडियो के साथ, एक छोटे से संदेश के साथ, मैं आपको ये छोटा सा संदेश जो मैंने आज छोटा वीडियो बनाया, इसके साथ ही मैं आप सबको आज मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, जिसने भी आपको सजेस्ट किया है, उसके साथ आप बैठें, इसको समझें, और ये बहुत ही ग्रेट सिस्टम है, यहाँ आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो प्राउड होम बेस्टर, थैंक यू।